हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेटनोवेट एन क्रीम के बारे में, जो बहुत ही बेहतरीन एंटीबैक्टीरियल क्रीम है। अगर आप मेडिसिन की जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, सो आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो दोस्तों, बेटनोवेट एन क्रीम है, यह मैन्युफैक्चर्ड बाई ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल का है। अब इसमें हम तीन टॉपिक पे बात करेंगे, इसमें कंटेंट क्या है, इसका कार्य कैसे करता है और प्राइस डिटेल, साथ में साइड इफ़ेक्ट और इसके यूजेस। तो हम जो कंटेंट के बारे में बात करें, वो बेटामेथाजोन वेलब्रेड इक्विवेलेंट टू द बेटामेथाजोन 0.10% है और नियोमाइसिन सल्फेट 0.5% है और क्लोरोक्रिजोल 0.1% है। तो अब इसके कार्य के बारे में बात करते हैं। तो बेटामेथाजोन ये बिलोंग करता है स्टेरॉइड ग्रुप से। तो यह क्या करता है कि जो भी बैक्टीरियल ग्रोथ, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है वहाँ पे जो भी इन्फ्लेमेशन होता है, जहाँ पे सूजन होती है, उसे कम करने का कार्य करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो सूजन है उसको कम करने का काम करता है और सूजन नहीं होने देता है, ये इस तरह से काम करता है। और जो इसमें नियोमाइसिन सल्फेट है बिलोंग करता है एंटी बैक्टीरियल ग्रोथ, तो यह बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और जो क्लोरोक्रिजोल है डिसइंफेक्टेंट और एंटीबैक्टीरियल है और ये जो माइक्रोब्स होते हैं उसको ग्रोथ होने से रोकता है और बैक्टीरिया को किल करता है। तो ये इस तरह से तीनों मॉलिक्यूल इसके अंदर काम करते हैं। मेन मॉलिक्यूल जो इसके अंदर है बेटामेथाजोन और नियोमाइसिन सल्फेट। अब बात करेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो यह 20 ग्राम का पैक है, 36 रुपया प्राइस है इसका। अब यूजेस के बारे में बात करेंगे तो आप अपने फिंगर टिप पर लीजिए, अपने फिंगर के जो स्टार्टिंग का पॉइंट वहाँ पे आप एक बार इसको दबा के ले लीजिए, तो हमें 2 से 3 ग्राम आएगा। और जहाँ पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ वहाँ पे अच्छे तरीके से लगा लीजिए। और लगाने से पहले आपको वह त्वचा जो रहे वह साफ़ सुथरी होनी चाहिए और उसके बाद आप उसे लगा के छोड़ दीजिए। आप इसमें साइड इफ़ेक्ट देखेंगे तो इसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत कम के बराबर है। हाँ, साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है कभी कभी, जहाँ पर आप इसे यूज करते हैं वहाँ पर थोड़ा सा जो स्किन है वो थीनिंग दिखाई देता है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड के कारण। तो दोस्तों, अगर यह मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ चैनल जो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर यह मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।